हेलो बच्चों, मैं नील राम इस यूट्यूब चैनल ज्ञान भंडार कोरा लातेहार में स्वागत करता हूँ। क्लास 12th के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के इस वीडियो लेक्चर में हम बुलियन अलजेब्रा टॉपिक के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये बुलियन अलजेब्रा वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो लेक्चर है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि बुलियन अलजेब्रा क्या है, किनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। बुलियन अलजेब्रा में बाइनरी वेरिएबल क्या होते हैं, इन बातों को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। बुलियन अलजेब्रा की कड़ी में ही आज हम लोग कुछ बिंदु को देखेंगे। सबसे पहले हम बुलियन अलजेब्रा की कड़ी में ही जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन क्या है? द डिसीजन विच रिजल्ट इन टू आइदर यस ट्रू और नो फॉल्स इज कॉल्ड बाइनरी डिसीजन। इसमें कहता यह है ऐसा डिसीजन जिसका रिजल्ट या तो हाँ या तो ना में आता हो उसे बाइनरी डिसीजन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा रिजल्ट जो या तो जीरो या तो वन आता हो, जीरो का मतलब फॉल्स और वन का मतलब ट्रू, दैट मीन्स वन इज यस एंड जीरो इज फॉल्स नो, आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें। लॉजिकल स्टेटमेंट, व्हाट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट दैट डिटरमाइंस द रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट। अर्थात ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट आइदर ट्रू आता हो या फॉल्स आता हो वैसे स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं। ट्रूथ फंक्शन या उसे ट्रूथ फंक्शन भी कहते हैं एंड द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यू। और जो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है उसे ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बुलियन अलजेब्रा में जो स्टेटमेंट होती है उसका रिजल्ट या तो जीरो या तो वन आता है वैसे स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट कहेंगे। और जो रिजल्ट जीरो या वन आ रहा है, जो वैल्यू ट्रू या फॉल्स आ रहा है उसको ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बाइनरी डिसीजन और लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में देखा। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।